हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट चिकन कड़ी, जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत आसान होती है। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन भी दबा देना। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुछ खड़े गर्म मसाले लेंगे, जैसे 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची, 10 से 12 काले मिर्च। तो चिकन मैंने 250 ग्राम्स ली हो, आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब इसे मैरिनेट करेंगे। तो 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर ली हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर से भी इसे मैरिनेट कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कीजिए और मैरिनेट करने रख दीजिए। 2 कांदा लेना है और कांदों को अच्छे से चॉप करना है। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, बट इससे क्या होता है ना कि काम बहुत आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी से हो जाता है, इसीलिए मैंने चॉपर में जो है कांदों को चॉप कर लिया। आप चाहो तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हो, उसका पेस्ट भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको लेना है दही और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 6 से 7 बादाम ली हूँ। अगर आपके पास काजू है तो आप काजू भी ऐड कर सकते हो और दोनों साथ में भी ऐड कर सकते हो। 4 हरी मिर्च और फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, जो खड़े गर्म मसाले हमने लिए थे वो ऐड करेंगे और चॉप किए हुए कांदे ऐड करेंगे। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम वाइट चिकन बना रहे हैं। अगर आप ब्राउन करोगे तो उसका कलर जो है वो डार्क हो सकता है। कांदे जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। 2 मिनट भूनिए। कच्ची महक जैसे ही चली जाएगी तो हम चिकन ऐड कर देंगे। तो अब चिकन को हमें कांदों के साथ में 2 से 5 मिनट भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा चिकन का मॉइस्चर जो है वो हट जाएगा, तब इसमें दही ऐड करूँगी। दही मैंने 2 टेबल स्पून ली हूँ। और दही ऐड करते टाइम आपके गैस का फ्लेम मीडियम से लो ही रखना, वरना दही फट सकती है। और जो हरी मिर्चें ली थी ना, वो भी ऐड कर दूँगी। तो हरी मिर्चों को मैंने अक्खी ऐड की हूँ, आप चाहो तो कट करके भी ऐड कर सकते हो। तो अच्छे से दही के साथ में आप चिकन को 2 से 5 मिनट भून लीजिए और लो या मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। 2 से 5 मिनट भूनने के बाद इसे ढक दीजिए। ढककर 2 मिनट आप पकाइए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो फिर से इसमें चम्मच चलाइए और आप देख सकते हो कि दही भी जो है ना वो पकने लगी है। तो अब इसमें हमें जो बादाम का पेस्ट हमने बनाए थे वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। और बादाम के साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड की हूँ, तो इससे भी ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लीजिए। फ्रेश क्रीम, बादाम, सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ऐसे चम्मच चलाते हुए आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर इसे 2 से 5 मिनट जो है ना वो पकने दीजिए। तो यहाँ पर है ना फ्रेंड्स, मैंने जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा ऐड की और थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर ऐड की हूँ। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप सॉल्ट एक बार चेक करिएगा, फिर आप अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिएगा। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, जब ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा, तब इसमें पानी ऐड करना। मैंने यहाँ पर 1 छोटा कप पानी ऐड की। अब इसे ढक दूंगी और ढककर पकने दूंगी। और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा, तब इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। तो पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कम पानी ऐड की। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है वो बनके रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ना बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, घर में भी सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।